आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। झारखंड में भी वाम दल की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सभी बड़े नेता झारखंड पहुंचकर अपने कैडर वोटों में ऊर्जा भरने का काम करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर झारखंड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद डी राजा रांची पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाने की सलाह दी। Chief Commander of Defence Forces, President is the custodian of the Constitution, but President has not been invited. It shows the authoritarian character of Mr. Modi and the BJP. That is why we say the Parliament is becoming redundant and there is no scope to express dissent. To question the policies of the government. If you express dissent, BJP, RSS, their outfits try to brand you as anti-national or Naxal or urban Maoist. All such things are happening in the country. And because the CBI, ED and all central agencies or with the union government, they use these central agencies to target the leaders of opposition parties. उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद सोमवार को डी राजा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि किस प्रकार से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देनी है, इस सब बातों को लेकर चर्चा की गई। अपने दो दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे डी राजा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों को चिन्हित किया है, जहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।